एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लव रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, उसका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। मून पहला कार्ड, चंद्र, देन वी हैव एम्परर, हर हर महादेव, द फूल, टेम्परेंस एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन है, महादेव के साथ यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी साथ में आई हैं। 88 पोर्टल की एनर्जी कल ऑलरेडी डली हुई है, लेकिन अभी एनर्जी के इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये हम 2-3 दिन तक नोटिस करेंगे। एनर्जी में, मेजर अरकाना में डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ सिचुएशंस ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं पूरी, उनको फिर से जीवित करने की एक वाइब्स है। जैसे अगर आपके साथ रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, टूट गया है, तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि बहुत पुराने जो रिलेशंस हैं, जो 6 महीने से ब्रेकअप है, 1 साल से ब्रेकअप है, चीज़ें वापस जुड़ेंगी। अगर उनके साथ आपकी डेस्टिनी इन्वॉल्व है तो कुछ मिरेकल्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और कुछ लोगों के साथ ये होगा क्योंकि 8 नंबर शनि का है, कर्म फलदाता शनि होते हैं, तो जो आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपके असेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिनके वजह से आप असेंड नहीं हो पा रहे हो, आप रुके हुए हो एक स्थान पर, उनको आपकी लाइफ से ले लिया जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज दर्शा रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव एम्परर विद टेम्परेंस। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बैलेंस्ड है, शिव शक्ति बैलेंस्ड है, यूनियन की वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों के यूनियंस बहुत फास्ट पेस में आपको दिखेंगे जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं, साइन यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर है मीन राशि पाइसेस, कर्क राशि कैंसर, मेष राशि एरीज, धनु राशि सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन मकर राशि। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। किस बात को लेकर सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? देखिए यहाँ पर मून के बाद फूल आया है एम्परर के साथ। एम्परर एक राजा की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स मून के बाद क्लैरिफिकेशन में, एंड वी हैव द फूल। इमोशनली कुछ लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ताकि एक नई शुरुआत हो सके। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम पीरियड में कि आपको मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। कई लोगों के एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, या बहुत लंबे समय से जो दूरी बनी हुई है वो एंड हो जाएगी। एम्परर क्यों आए हैं? ओवरथिंकिंग की वाइब्स है। इस वक्त जो आपके पार्टनर है ना, बहुत समय से आपके बारे में सोच रहे थे, बट इस टाइम पीरियड में ओवरथिंकिंग है। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे जो मेरा है वो मेरा हो जाना चाहिए, उसको मैं और डिले नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। देन वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द लवर्स विद एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए बहुत व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी सोलमेट हो सकती हैं, इनकी फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। जो भी आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में है जहाँ एक तरफ सोलमेट है, एक तरफ आप हैं, आपसे भी प्यार है और अपनी सोलमेट से भी प्यार है। सोलमेट ज़रूरी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है जो ट्रू लव करता है इनसे, अनकंडीशनल लव करता है, जैसे कि मदर, फादर, भाई, बहन, जो हर सुख दुख में खड़े होते हैं। किसी के सोलमेट उनके मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती है, किसी के सोलमेट उनके दोस्त हो सकते हैं, जो एक कॉल पर आकर खड़े हो जाएं कि हाँ भाई बोल क्या बात है। तो ये भी सोलमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, आपके पार्टनर जिनकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो आपके और इनके यूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो उन्हें छोड़े नहीं, बैलेंस आउट कर लें सिचुएशन। तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस तो दिख रहे हैं, डिवाइन यूनियंस, क्योंकि एम्प्रेस के साथ लवर्स आया है। कई लोगों के पार्टनर सीधा कमिटमेंट दे सकते हैं आपको मैरिज से रिलेटेड, बिकॉज साथ में टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि कम्प्लीशन को दर्शाती है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन आपसे ये भी कह सकते हैं कि यार मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मैं उनके बिना कुछ अच्छा फील नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वो मेरी मदर हैं। एम्प्रेस रिप्रेजेंट फर्टिलिटी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी लाइफ में मिलने वाली है कि आपके पार्टनर बैलेंस आउट करेंगे या चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे। द फूल क्यों आया है? बहुत लंबे समय से ये चेंज चाह रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये वेटिंग एनर्जी में हैं, इमोशनली बहुत अपसेट हैं, किसे चुने, किसे छोड़ें। तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बिकॉज डेस्टिनी की एनर्जी है। भाग्य में जो होगा वो आ जाएगा, भाग्य में जो नहीं होगा वो दूर हो जाएगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या मांग रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या क्रिएट करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए इनका दिल धड़कता है, उनके साथ आगे बढ़ जाएं, विशेस पूरी हो जाएं इनकी। मजिशियन को फुलफिलमेंट ऑफ विशेस ने क्लैरिफाई किया विद द वर्ड क्रिएशन। आपके पर्सन अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसा आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वैसा यूनियन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपको कॉन्टैक्ट करने की एक एनर्जी इनके अंदर होगी। कुछ बड़े निर्णय भी यहाँ पर हो सकते हैं। टावर को भी क्लैरिफाई कर दें। टावर को क्लैरिफाई किया है डेथ ने विद द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पर जो चीज़ें आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ होनी लिखी हैं वो हो जाएंगी। कुछ बर्डन्स रिलीज़ होंगे, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको स्ट्रॉन्ग वे में मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कुछ मैरिड कपल्स के डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बच्चों के कारण डिवोर्स नहीं ले पा रहे थे, खुश नहीं थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, एक टॉक्सिक मैरिज सिचुएशंस को झेल रहे थे या झेल रही थी। सडनली कुछ ऐसा होगा जैसे किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं कि हाँ ठीक है आप हफ्ते में दो दिन आकर मिल सकते हैं या दो दिन आप बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिसके बाद ये डिसीजन ले लेंगे। इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। लेट्स चेक इमीडिएट फ्यूचर। जय शिव शक्ति, जय कृष्ण। इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा? मेरे व्यूवर्स के लिए कोई वार्निंग तो नहीं है आने वाले टाइम के लिए? थर्ड आई पर फोकस्ड रहिए। वार्निंग है यहाँ पर, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। टू मोर कार्ड्स। कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे क्योंकि ये कर्मा एनर्जी को कैरी करता है, 8-8 पोर्टल। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के भाग्य में बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। कुछ लोगों की डेस्टिनी में अभी तक सिचुएशन बहुत डिफरेंट रही होगी, सडनली आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, दूसरों से लड़कर आपके लिए स्टैंड लेगा,
पास्ट लाइफ एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है. वी हैव 777 विद डेस्टिनी. पिछले जन्म के जो कर्मा है वो एक्टिवेट होंगे. तो अगर पॉजिटिव कर्मा है तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव कर्मा है तो रिजल्ट बहुत नेगेटिव मिलेगा, लेकिन इन्हीं 7 दिनों के अंदर मिलेगा. मेमोरीज ऑफ लव, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे, क्योंकि आपके पर्सन ना उन मेमोरीज में जाएंगे जो मेमोरीज इनको आपकी याद दिलाती हैं, आपके करीब लेकर आती हैं. क्या स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई करें. अगेन नंबर 7, इट्स अ मैसिव एनर्जी. यहाँ पर 7 नंबर फिर से आ गया. वी हैव 4 times 7, 2 times 6. अच्छा, डिस्ट्रक्शन को क्लैरिफाई कर दें. होप रखिए, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा. यहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी और एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि शनि के साथ आया है. डिस्ट्रक्शन को होप, न्यू बिगिनिंग एंड बैलेंस ने क्रिएट किया है. तो ये जो कुछ भी होगा, होप रखिए कि आगे चल के चीज़ें फेवर में आएंगी. कैसा डिसीजन, कैसा निर्णय. इस टाइम पीरियड में 777, 333, 888 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. कुछ लोगों को 1010 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. 1144, इवन 1155 इस टाइम पीरियड में 777 नज़र आए, तो समझ लें कि आपकी लाइफ में वो होने वाला है जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है. 1144 नज़र आए, समझ लें शिव शक्ति की एनर्जीज़ आपको ब्लेस कर रही है. जो सही होगा वो आपकी लाइफ में होने वाला है. 888 बहुत ज़्यादा नज़र आए, तो समझ लो कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है, और साथ ही साथ आपके कार्मिक जो भी हैं वो उनका चेहरा आपके सामने आने वाला है. साथ ही साथ अगर आपको 1010 नज़र आता है, तो समझ लें एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है. अब ये कंप्लीशन आपके लाइफ में अगर पॉजिटिव लिखा होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लिखा होगा तो नेगेटिव होगा. अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है. इसके अलावा 444 बहुत ज़्यादा नज़र आए, तो समझ लें कि आप कोई फियर को मैनिफेस्ट कर चुके हैं. ऐसे में आपको फियर को मैनिफेस्ट नहीं करना है, तुरंत रुकना है. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इल्यूजन में रहते हैं और शक को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो वही चीज़ें उनको रियलिटी में नज़र आने लगती है. जैसे आपने बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, और आपको 444 दिख रहा है, मतलब दे आर वार्निंग यू कि आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी में नेगेटिविटी ज़्यादा है, रुक जाओ. लेकिन लोग सोचते हैं अरे एंजल नंबर दिख रहा है, और उसके बाद फिर वही चीज़ें आपके सामने आती हैं. आप कहेंगे यार मुझे डाउट था. डाउट नहीं था, आपको एंजल्स वार्न कर रहे थे कि रुक जाओ, मत मैनिफेस्ट करो नेगेटिव, लेकिन आप नहीं सुने. ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में दिखेंगी. इसके अलावा 717, 818, 808 ये भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है. 616 और 666 हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है. अगर इस टाइम पीरियड में आपको ये नंबर दिखते हैं, समझ लीजिए हारमोनियस यूनियन यहाँ पर आपका होने वाला है आपके पर्सन के साथ. देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं. एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज. किसी की मदद लो अगर आप किसी दौराहे पर हो, कंफ्यूज्ड हो, उसके बाद एक्शन लो. यू आर रेडी, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी हो. कुछ लोगों को अगर ट्रिगर मिला है, आपके साथ धोखा हुआ है, ब्लेम हुआ है, तो इस पोर्टल की एनर्जी में उनको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो. अपनी लाइफ के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, पुरानी बातों को लेट गो कर दो. क्योंकि आप जितना दूसरों को ब्लेम करोगे, दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे कि अरे उसने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ गलत हो जाए ये वो, तो आप अपना नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो. अब अगर उसके साथ इस जन्म में बुरा नहीं हुआ, आपने नहीं देखा उसके साथ कुछ बुरा, तो आप अगला बर्थ लेकर आओगे और देखोगे. तो खाली इसी पर्पस से आपका जन्म हो सकता है. तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं. विल टेक 2 more cards. जय शिव शक्ति. गाइडेड मैसेज. देखिए यहाँ से पहला कार्ड आपके लिए आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और यहाँ से आपके लिए आया है हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा. देन वी हैव बुल एंड वी हैव थर्ड आई चक्रा. देखिए आज नेक्स्ट एक्शन में भी थर्ड आई आया था ना, यहाँ से भी थर्ड आई आया है. सबसे पहले थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस. कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमारा सारा चक्रा एक्टिवेट हो गया है तो आगे क्या. देखिए सबसे पहले
कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके सारे चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, वो अवेकन हो गए हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, और उसके बाद उनकी डिज़ायर होती है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, उनकी डिज़ायर होती है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी हो जाए, उनकी डिज़ायर होती है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाए। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि जब किसी का थर्ड आई क्राउन चक्र ये अवेकन हो जाता है तो उसकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, उसको ये रियलिटी पता चल जाती है कि वी आर जस्ट अ सोल, और ये हमारी सिर्फ एक बॉडी है, हमने ऐसी कई लाखों बॉडी चेंज की हैं, अलग अलग जीव जंतु के रूप से लेकर मनुष्यों के रूप में हमने कई जन्म लिए हैं, तो उनके सामने ये रियलिटी आ चुकी होती है, और उसके बाद उनकी कोई भी अटैचमेंट नहीं रहती, वो दिखते हैं धरती पर, वो अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन वो अटैच नहीं होते, वो डिटैच होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर लोग अपने अपनी एक टाइम पीरियड के अंदर, अब आप कोई मूवी देखने जाएं, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, एंजल गाइडेंस बड़ी होगी जिसके अंदर पेशेंस है वही सुनेगा, ठीक है। अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप 400 500 1000 का टिकट खरीदते हैं, उस मूवी में जब आप जाते हैं तो सारे कैरेक्टर्स का योगदान पूरे मूवी में नहीं रहता, कुछ कैरेक्टर्स की एंट्री होती है 10-5 मिनट का रोल होता है, कुछ कैरेक्टर्स की एंट्री होती है बीच बीच में, हार्डली 3 घंटे की मूवी में 15-20 मिनट का रोल होगा उसका, चाहे वो विलन हो, चाहे वो किसी के मम्मी हो या किसी के पापा हो, किसी की बहन हो, एक छोटा सा रोल उनका होता है। जो मेन एक्टर होते हैं उनका रोल होता है शुरू से लेके अंत तक, मतलब पिक्चर की जो पूरी स्क्रिप्ट है वो उसी मेन एक्टर और एक्ट्रेस के आगे पीछे घूमती है, ये बात सच है या नहीं सच है। वैसे ही जब आप अवेकन होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि हम ये सोल में आए हैं और हमारा जो लाइफ है ये कुछ कर्मा को क्रिएट करा है, भगवान ने एक हमें फ्लोर दिया है एक्ट करने का जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, और हम कितना परफॉर्म कर पाएंगे इस लाइफ में, जितना परफॉर्म करेंगे बेस्ट एक्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप परफॉर्मर हैं, आपका कर्मा पहले से डिसाइडेड है, जैसे स्क्रिप्ट डिसाइडेड होती है, आपका डायरेक्टर आपको कहता है अब तुमको ये वाला डायलॉग बोलना है तो आप वो वाला डायलॉग बोलते हो, लेकिन जीवन में ये होता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से डिसाइडेड होते हैं, एक गणित होती है कि हाँ तुमने पिछले जन्म में इन 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 लोगों से उधार लिया, तुमने पिछले जन्म में इनके बारे में गलत बोला, तुमने पिछले जन्म में इसको बहुत परेशान किया, इसका इसको धोखा दिया, तुमने पिछले जन्म में उस व्यक्ति को मार दिया, इस जन्म में आपको मौका मिला है कि इन लोगों के साथ अपने कर्मास को हील कर लो, जो भी तुम्हारे अंदर भड़ास है उसको निकाल लो और ख़त्म करो, सब बैलेंस आउट करो। लेकिन होता क्या है कि जब इंसान धरती पर आता है तो उसकी मेमोरी जो है वो डिलीट कर दी जाती है, वो जब उन लोगों से मिलता है उनसे अटैच होता है, क्योंकि सोल को लगती है कि वो मेरा अपना है, सोल को लगता है कि ये, सोल तो जानती है कि भैया इसने मुझे लास्ट टाइम में ऐसे ऐसे किया है, लेकिन सोल हमें गाइडेंस देती है लेकिन हम उस गाइडेंस को साइड कर देते हैं, हमें लगता है हमारा तो एक कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और कुछ साल के बाद आपका पूरा खून चूसने के बाद वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, फिर आपको लगता है कि अरे हम तो सोच रहे थे कि वो हमारा कनेक्शन है लेकिन उसने तो हमें बीच रास्ते पर छोड़ दिया मैम, अब तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे, हम रो रो के ऑडियोज आते हैं। तो जब आप अवेकन होते हैं तो आपको ये रियलिटी समझ में आ जाती है, जब आपका ये थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा ना तो आपको सबके अंदर की चीज़ें दिखने लगेंगी कि हाँ ये बाहर से जो मुस्कुरा रहा है अंदर से कैसा है, या ये बाहर से जो दुखी है अंदर से क्या सोच रहा है, इसके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, इसके भविष्य में क्या है। तो जब आप इतना देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो धरती है ये सिर्फ किसी न किसी एक कर्म बंधन से कुछ लोग जुड़े हैं जो आपके आसपास हैं, कुछ अच्छे कर्म बंधन हैं, कुछ बुरे कर्म बंधन हैं, कुछ अच्छे हैं जो लाइफ में आपको गुड एक्सपीरियंसेस देते हैं, कुछ बुरे हैं जो आपको लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस देते हैं, लेकिन यू हैव टू नो दैट कि आपको अपना कर्म क्रिएट नहीं करना है। और जब आप अवेकन होते हैं तो आप डिज़ायर्स नहीं रखते, आपको पता होता है कि मेरे लाइफ में जो होगा वो खुद ही आएगा, मुझे सिर्फ उसको फेस करना है। तो वो व्यक्ति हमेशा रेडी रहता है चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इसलिए वो भय रहित हो जाता है, उसको फियर होता ही नहीं, ना किसी को खोने का फियर होता है, ना किसी को पाने की खुशी होती है, उसको पता है कि इसके साथ मेरा क्या बॉन्ड है, कितना टाइम तक रह सकता है, जो भी आपके लाइफ में अटैच्ड है। तो जब आप अवेकन होते हो तो आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, और डिज़ायर अगर अभी तक है मतलब आप अभी फर्स्ट स्टेज पर भी नहीं हो,
क्योंकि आप किसी भी कॉन्शियसनेस चार्ट को खोलेंगे गूगल पे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि नीचे के जो लेवल्स हैं उसमें आता है डिज़ायर्स, जेलसी। लोग कहते हैं मैम हम तो अवेकन हो गए लेकिन मेरा डीएम अभी तक अवेकन नहीं हुआ। पूछा जाता है कि अच्छा आप अवेकन हो गए हो, ठीक है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उसकी लाइफ से थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है। मतलब कि आपको जेलसी है थर्ड पार्टी से, मतलब कि अभी भी आप थर्ड पार्टी के सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, अभी भी आपके अंदर ये डिज़ायर है कि थर्ड पार्टी चली जाए और आपका पार्टनर आपको मिल जाए। तो ये जो चीज़ें आती हैं ये बताना किसका काम है। लोग इधर वीडियो देखते हैं, उधर वीडियो देखते हैं, उधर वीडियो देखते हैं, 10 जगह 10 तरीके की बातें सुनते हैं लेकिन वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो किसी एक को तो बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आप गलत हो, कहाँ पर आपको मेहनत करनी है, कहाँ पर आपको भी और इम्प्रूवमेंट करनी है। कोई तो ऐसा आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए ना कि आप जानो कि हाँ सच में मेरी ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मुझे अभी और इम्प्रूव करना है। बिना बताए अब आप हवा में तो कर नहीं लोगे, है ना, कहीं ना कहीं कोई तो गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो खुले दिल से एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करो, उस सिचुएशन को इम्प्रूव करो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी को मानते हो तो उसमें आपको लाइफ में हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए रेडी रहना है। मुझसे कोई चीज़ मुझे अगर लगेगा कि हाँ मैं पहले ऐसा सोचती थी बट अब मेरे विचार बदल गए, मुझे उससे अच्छा क्लैरिफिकेशन मिल गया, तो विचार आपके इम्प्रूव होते हैं हमेशा। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, वो आपको ग्रहण करते रहना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, एक इंसान चीटे से छिपकली से सांप से हर चीज़ से इंसान सीखता है, जानवरों से भी इंसान सीखता है, जबकि कहा जाता है कि वो निरीह प्राणी हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, मनुष्यों को बुद्धि दी गई है, मनुष्य जो है सुपीरियर है। लेकिन आजकल अगर आप किसी एनिमल का वीडियो देख लें तो आपको ये समझ में आएगा कि मनुष्य कैसे हैं। और मनुष्यों का वीडियो देख लें, बांग्लादेश का वीडियो आपके सामने है, मनुष्य कैसे ट्रीट कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा बैठा है रो रहा है। ये मनुष्य इस वक्त पे जानवरों से भी बदतर हालत में है क्योंकि उसने अपने चक्रास को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं, उसको सिर्फ खाना है और उत्पात मचाना है, ठीक है। तो जब आप जैसे लाखों लोग जब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो ये भगवान के दूत होते हैं जो ऐसे समय पर लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सहारा देते हैं, लोगों को मुश्किल दौर में, अब जिसके परिवार के 2 लोग मर गए होंगे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिसके परिवार के लोग मर गए होंगे उनकी हालत क्या होगी आप सोचिए। तो अगर एक बंदा भी स्पिरिचुअल होगा उस जगह पे तो वो उन लोगों को मोटिवेट कर सकता है या कर सकती है कि नहीं अभी तुम जिंदा हो, तुम्हारे लाइफ में अभी और भी कर्म तुम्हें करने हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं जब आपके चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर आपको ये लगता है कि ये धरती क्या है, सिर्फ एक मोह माया है और इससे आपको थोड़ा सा हमेशा कटे रहना है। और जब आप कटे रहते हो तो आप कभी नीचे नहीं गिरते हो क्योंकि आपको पता है कि आप इस मोह माया में फंस कर अपनी एनर्जीज को लूज़ नहीं करोगे, खोगे नहीं आप। नेक्स्ट यहाँ पर है नंदी, जो कि नंदी जी फेमस किस लिए हैं, पहले बात तो सबसे बड़े शिव भक्त, दूसरी बात भगवान के इंतज़ार में हमेशा बैठे रहते हैं, भगवान तपस्या में लीन हैं, नंदी बैठकर देखते रहते हैं। तो नंदी आपको दिखाते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप अगर भगवान को मानते हो, किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आपको डिवाइन एनर्जीज पर बिलीव है, यूनिवर्स पर बिलीव है, तो आपके अंदर सब्र अपने आप आ जाता है, फिर आप इम्पेशेंट नहीं होते। तो सब्र एक पहला स्टेज है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो। लोग तपस्या करते हैं वो ये नहीं सोचते साधु संत महात्मा, या आप स्टोरीज पढ़ते हो कि उन्होंने इतने साल तपस्या की, इतने बरस तपस्या की, तो उन्होंने कोई लॉजिक यूज़ नहीं किया, उन्होंने बस तपस्या की। भगवान दर्शन नहीं देते तो वो करते रहते, भले करते करते उनके प्राण निकल जाए, तो उन्होंने कभी कोई लॉजिक नहीं यूज़ किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये स्पेल कर रहे हैं या हम ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, हमें 8 दिन में रिजल्ट चाहिए। सो जब इंसान खुले दिल से सच्चे मन से अलाइनमेंट में आता है तो अपने आप चीज़ें बदलने लगती हैं। और जहाँ पर इंसान ने भगवान के साथ लॉजिक यूज़ किया, लॉजिकल टाइम देख रहे हैं कितना दिन हो गया, 21 दिन बोला था,
तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम हमने कहीं सुना है 21 डेज, हमने कहीं सुना है ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो वैसा हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोस देख देख कर लोग पूछते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान से अपना एक अलग कनेक्शन बनाओ। किसी का देख कर, किसी का सुनकर, किसी के रेमेडीज़ पर जाकर आप कनेक्शन नहीं बना सकते। कनेक्शन आपको खुद अपनी सोल से बनाना पड़ता है, ठीक है? तो ये दिल से दिल का मामला है, सोल से सोल का मामला है, इसमें लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट है रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा। जो भी लोग, जिस भी लोगों की मदद कर रहे हैं ऐसे बुरे दौर में, चाहे कहीं बाढ़ आई हो, अभी हिमाचल में देखिए कितनी मुसीबत आई, लेकिन कितने वो सब देवदूत ही हैं जिन्होंने पत्थर काट काट कर, यहाँ एक इतना छोटा सा पत्थर दे दिया जाए तो काटने में हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो देवदूत ही हैं जो पत्थर काट काट के, चाहे वायनाड हो चाहे हिमाचल हो, काट काट के लोगों को निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं। कुछ ज़िंदा निकल रहे हैं, कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ निकल रही हैं। पानी हो, भूकंप हो, आज अभी जस्ट मुझे मैसेज आया है किसी का, ये रीडिंग शुरू करने के पहले, कि जापान में भूकंप आया है 7 पॉइंट कुछ तीव्रता का। अभी मैंने न्यूज़ नहीं देखी है कि वहाँ क्या हुआ है, बट ऐसे समय पर जो लोग मदद करते हैं वो देवदूत होते हैं। तो यही टाइम है अपनी जर्नी में, अगर आप असेंड हो रहे हैं तो आपके आसपास अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं। चाहे प्रॉब्लम नहीं भी है, कोई नीडी है, किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी का बच्चा खो गया है, किसी का पेट खो गया है, लोग हंसते हैं कि अरे ये पेट के लिए दौड़ रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि उसने उसको अपने बच्चे की तरह माना है। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं लोगों के आसपास, किसी के मम्मी खो गए, किसी के पापा खो गए, गुमशुदा आप देखते हैं, लेकिन आप देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी किसी ने एफ़र्ट्स लगाए हैं कि हाँ चलो खोजते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एफ़र्ट्स लगाते हैं। ब्लड नहीं है, ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो प्लीज़ आ जाएं, कोई वैल्यू नहीं करता, पोस्ट देखा आगे बढ़ गए। तो ऐसे लोग जो मदद करते हैं, जो ऐसे लोग दूसरों के सुख दुख में अपने लोगों की तरह दौड़ते हैं, वही देवदूत हैं, समझ रहे हैं? तो उनको भगवान शिव की तरह से हमेशा ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं, और उनको भगवान भोलेनाथ अपने धाम में ज़रूर लेते हैं आफ्टर डेथ। स्वीटी गाइज, आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।